आर योर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो आई थिंक आपको ये इम्प्रूव सेशन डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए. इम्प्रूव सेशन क्या है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाओ उसको चेक करो. इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, और मुझे लगता है आपको करना भी चाहिए, तो आप क्या करो, हमारे वेबसाइट पर जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, सो दैट हम आपको उसमें ऐड कर सके. चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं. हाँ चलिए अभी देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको अच्छा रहेगा कि इसको आप लर्न कर लें. यह मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है. लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसके फॉर्म में, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसके फॉर्म में अरेंज है, ये रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है. इसमें सबसे लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, लिथियम का -3.04, और मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिया हुआ है, फ्लोरीन का. रिडक्शन पोटेंशियल ये बताता है कि किसी कंपाउंड की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी है. इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, -3.04. माइनस वैल्यू बता रही है कि इसकी इसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं है. यानी लिथियम कभी भी अपने आप को रिड्यूस होते हुए नहीं देखना चाहेगा, वो हमेशा अपने आप को क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज. तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज 3.04, बट इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लीस्ट है. वैसे यहाँ पे फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हाई है, यानी अपने आप को ये हमेशा रिड्यूस होते हुए देखना चाहता है, यानी हमेशा एज ए एफ माइनस रहने की टेंडेंसी रखता है, और यही इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर के लिए सपोर्टिव है. अच्छा, और ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा, -2.87. इससे ज़्यादा कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का नहीं है पीरियोडिक टेबल में. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया गया है. अब इसके फायदे क्या है, इसको कैसे कैसे यूज आता है. इनका पहला यूज है एज ए एक्टिविटी सीरीज. इसमें ये इनकी एक्टिविटी का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो अपने से लोअर मोस्ट एलिमेंट को रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेस करा सकता है. जैसे कि यहाँ पर कोबाल्ट है, वो HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कोबाल्ट का सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन रिलीज कर जाएगा एज ए हाइड्रोजन गैस. ठीक है, लेकिन अपने से लोएस्ट एक्टिविटी का मेटल या एलिमेंट अपने से हाईएस्ट एक्टिविटी के मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. ये इसका पहला यूज है. ये आपने 10th क्लास में भी बहुत पढ़ा था, ये बहुत कम आता है इसका यहां पर क्वेश्चन. नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वो है क्या कि इनमें से कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन आपके एकदम क्लियर होनी चाहिए. रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जिसकी इटसेल्फ टेंडेंसी होती है कि वो क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी टेंडेंसी होगी वो इटसेल्फ क्या होना चाहता है, रिड्यूस. तो जो इटसेल्फ रिड्यूस होगा वही दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा वही दूसरों को रिड्यूस कर सकता है. तो यहां पर देखिए लिथियम के बारे में, यहां से ये लिमिटिंग वैल्यू अगर हम मैच कर लें तो हम इन सब के बारे में ऑर्डर हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. तो आपको लिमिटिंग वैल्यू पे फोकस करना है. तो लिमिटिंग लिथियम का देखिए रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, यानी इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है. यानी इजीली ये ऑक्सीडाइज होगा इटसेल्फ तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस. तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है भाई, आते हैं फ्लोरीन पे. फ्लोरीन की टेंडेंसी एफ माइनस के फॉर्म में, यानी रिड्यूस होने का पोटेंशियल इसका बहुत ज्यादा है, यानी इटसेल्फ ये हमेशा रिड्यूस होना चाहेगा. अगर इटसेल्फ ये रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज. तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, दिस विल बी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आयोडीन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहां से हमें सीधा सीधा ऑर्डर मिल जा रहा है, टॉप से बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है. ये सेकंड एप्लीकेशन था. ठीक है, अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन. थर्ड एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको चार इलेक्ट्रोड दे दिए जाए, उनके पोटेंशियल दे दिए जाए, कौन कैथोड का वर्क कर सकता है, कौन बेस्ट कैथोड हो सकता है, कौन बेस्ट एनोड हो सकता है, इस चीज का डिटरमिनेशन. तो कैथोड पे आपको पता है कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, यानी जो जिसका इजीली रिडक्शन हो सकता होगा वो बेस्ट कैथोड है. तो टॉप से बॉटम की तरफ आप देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी जो सबसे नीचे एलिमेंट है वो सबसे अच्छा कैथोड होगा, ये बेस्ट कैथोड है. ठीक है, और ऐसे ही जरा टॉप मोस्ट एलिमेंट को देखिए, उसकी टेंडेंसी क्या हो रही है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, यानी वो बेस्ट क्या होगा, ये बेस्ट एनोड होगा.
यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम है वो उतना अच्छा एनोड है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना हाई होगा वो उतना अच्छा कैथोड होगा। ये तीसरा कंक्लूजन याद रखिएगा। बस इतने ही क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलेंगे। ये तीन जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको आप याद रखिए, इससे ज्यादा आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज जो करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लेट अगर एक रिएक्शन दी हुई है ए टू बी और इसका सेल पोटेंशियल ई नॉट है, अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो इसका नया सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टी एक ध्यान रखिएगा। सेकंड है, अगर आपने किसी भी रिएक्शन में ए टू बी है, अगर आपने इसमें समथिंग कुछ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा, उसको आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन दी हुई है, उनके सेल पोटेंशियल दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके हमें नेट इक्वेशन मिल रही है, ये इसका सेल पोटेंशियल E3 है, तो E3 का E1 E2 के साथ क्या रिलेशन होगा, हम डायरेक्टली इसका कोई रिलेशन देख के नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट इंडिपेंडेंट होती है, तो अमाउंट से इंडिपेंडेंट होने की वजह से, और इक्वेशन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी अमाउंट पे डिपेंडेंट होती है, तो ये रिएक्शंस को ऐड करके हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बता सकते। ये चीज तभी हम बता सकते हैं जब हमारे पास कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो। तो इसी वाली थर्ड वाली प्रॉपर्टी को हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहले ये तीनों आप नोट कर लें, इनको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाली प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया Fe मेटल है, Fe मेटल चेंजेस इनटू Fe प्लस वन प्लस इलेक्ट्रॉन और इसका सेल पोटेंशियल कुछ इवन नॉट दिया हुआ था, ठीक है भाई। दूसरी हमें एक इक्वेशन दी थी Fe प्लस चेंजेस इनटू Fe प्लस थ्री, Fe प्लस थ्री प्लस विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रॉन और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ था समथिंग E2। फिर हमसे बोला गया कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया गया और ऐड करने के बाद जो नेट इक्वेशन मिल रही है वो ये है, Fe gives Fe3 plus plus 3 इलेक्ट्रॉन और इसका सेल पोटेंशियल E3 है। तो हमें E3, E1 और E2 में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत चांस है कि आपको इस बार ये क्वेश्चन देखने को भी मिले एग्जाम में। तो इसके लिए सबसे पहले इस इक्वेशन का क्या फाइंड कर लीजिए, डेल्टा G1। तो डेल्टा G1 क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट, एन क्या होता है, एन फैक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं, वन, एफ ई वन ई इज वॉट ई वन नॉट, इस वाले का डेल्टा जी निकाल लीजिए, इसको डेल्टा जी वन बोला हमने, इसको डेल्टा जी टू, माइनस टू एफ ई टू नॉट, और इस वाले के लिए डेल्टा जी लिख लेते हैं जरा, कितना हो जाएगा, डेल्टा जी थ्री नॉट इज इक्वल टू माइनस थ्री एफ ई थ्री नॉट, ठीक है भाई। अब सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी था, उनको तो हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो सब एडिटिव इन नेचर होती है। तो यहां पर ये डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जो है ये हमारे लिए एडिटिव होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो होगा क्या कि डेल्टा जी थ्री नॉट जो होता है वो इक्वल होगा डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट के। अब जी वन नॉट और जी टू नॉट की वैल्यू यहां पर आप प्लेस कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एफ ई वन नॉट माइनस टू एफ ई टू नॉट, और ये कितना हो जाएगा, माइनस थ्री एफ ई थ्री नॉट, ठीक है भाई। चलिए पूरी इक्वेशन ई थ्री नॉट हमें फाइंड करना था, बाकी सब एक तरफ ले जाइए। यहां से आपने माइनस F बाहर ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, E1 नॉट प्लस टू E2 नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस थ्री एफ, और यहाँ से थ्री माइनस माइनस कट जाएगा, F से F कट जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा E1 नॉट प्लस टू E2 नॉट डिवाइड बाय थ्री दैट इज इक्वल टू E3 नॉट। ये हमारा E1, E2 और E3 का वैल्यू होगा। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है भाई। इस तरह से आपने गैल्वेनिक सेल में देखा कि हमने सेल सारे रिलेशंस देखे, एक बार आपको मैंने पूरा रिवाइज कराया, अभी आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। जैसे ही आप इन सारे क्वेश्चंस को करें, क्योंकि इस सेक्शन से न्यूमेरिकल्स आते हैं या कभी कभी इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। थर्ड सेक्शन जो हम लोग करने वाले हैं वो है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस वगैरह करेंगे, ठीक है। थैंक यू।